गाइस देखिए अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और बहुत यहाँ पे फॉग ही फॉग है। अभी फॉग हट चुका है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी फॉग है और बहुत ठंडा है। जैसा उस बच्चे ने कहा था कि सुबह में ठंडा होता है, इस सुबह में बहुत ठंडा है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए कटाई हटाई हो रहा है। चलो बाहर चलो। अगर सोना भी चाहे तो कोई सो नहीं सकता, इतना कौवा कौ चिड़िया सब कर रही है। तो गाइस देखिए रात का कुछ चावल बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर डालने जा रहे हैं। रखो यहाँ रखो। तो देखिएगा अभी कितना कौवा वगैरह आएंगे। हट जाओ। तो शहर में तो कौवा देखने को नहीं मिलता है, अब आप देखिए। देखिए गाइस कौवों का आना शुरू हो चुका है और थोड़ी सब दूर बैठकर डर के मारे काँव काँव कर रहे हैं, तो किसी तरह हिम्मत जुटा के सब आएंगे। आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे। गाइस देखिए वहां जमीन पर तो कौवे नहीं आए, तो यहाँ मैं बाउंड्री पर रख रही हूँ। देखिएगा कितने सारे कौवे आएंगे। यहाँ उन्हें डर नहीं लगेगा, जमीन पर उन्हें डर लग रहा था। तो कौवे आने शुरू हो गए हैं, अब हम लोग थोड़ा हट जा रहे हैं ताकि वो आकर चावल खा सके। तो एक ही साथ देखिए कितनी भीड़ आएगी अभी। तो देखिए गाइस कौवा सब आ रहा है और भी आएगा। तो गाइस अभी सुबह में मेरे हस्बैंड बोले चलो खेत थोड़ा घुमा लाते हैं, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया कि चलो थोड़ा खेत घूम के आते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं खेत घूमने। चलिए मेरा खेत जो है वो आपको दिखाते हैं। उसमें अभी गेहूं लगा हुआ है, सरसों तो नहीं लगा हुआ है, सरसों तो कट गया कल आपने देखा। तो धूप निकल गई। खुरपी दे दीजिए, खुरपी अंदर है, कहिए ना तब तक साफ करेंगे। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी खेत के तरफ। तो देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है, मतलब इतना शांत माहौल है, ऐसा तो शहर में मिलता नहीं है। सवेरे से उठो तो गाड़ी घोड़ा हॉर्न पोम पा एकदम, और स्कूल के लिए बस उठो, लंच बनाओ, लंच पैक करो और 6:30 में स्कूल के लिए भागो, वही डेली एकदम उबाऊ रूटीन है। तो गांव में आकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। 2 दिन की मेरी जो छुट्टी थी वो अच्छी बीत रही है। तो देखिए गाइस धूप कितनी अच्छी निकली हुई है और ये रेलवे ट्रैक है इधर, और हम लोग इधर अब जा रहे हैं खेत के तरफ। तो आम का जो पौधा है देखिए, इसमें आम के पेड़ में कितना मंजर आया हुआ है। यहाँ मंजर देखिए पूरा भर गया है। तो पेड़ सब है यहाँ पर काफ़ी, तो ये मेरा पेड़ नहीं है, किसी और का है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उधर, खेत खेत ही पगडंडी रास्ता होता है यहाँ। तो इसमें खूब अच्छा लग रहा है, चिड़िया वगैरह बोल रही है, कौवा का आवाज़ सुनाई दे रहा है। ऐसा माहौल तो शहर में बहुत ही मुश्किल है। सवेरे से केवल बस चीख पुकार चिल्ल पो सुनते रहिए। तो देखिए कौवा का काँव काँव सुनने के लिए तो वहाँ कान तरस जाते हैं। तो यहाँ सुनाई दे रहा होगा आप लोग को भी। तो अब मेरी ग्रैंड डॉटर को मैं बोली कि एक ब्रांच पकड़ के तुम थोड़ा झूला झूल लो, तो वो झूला झूल रही है, करो करो। तो देखिए वो झूलने के लिए खोज रही है, अपना पतला सा डाली पकड़ के झूल रही है, उसे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और देखिए मेरे हस्बैंड एकदम ग्रामीण भेष में खेत पर जा रहे हैं और हम लोग उनके पीछे पीछे, क्योंकि मुझे तो दिखा नहीं है किधर खेत है, सभी खेत एक जैसे ही दिखते हैं, इन्हीं को पता है कि इनका कौन सा खेत है। देखिए सरसों जो है हम लोग के घर में अब सरसों आ गया, और उसके जो डंठल है देखिए बोझा बना के सब लोगों ने जगह जगह रखा है, और इसको सालों भर वो लोग जलावन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हर जगह इस तरह का आपको ढेर देखने को अभी मिलेगा।
और कुछ दिन के बाद मसूरी और गेहूं की भी कटाई होगी, तो गेहूं की कटाई के समय भी हम लोग आएंगे, तो उसका भी आप लोग को ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए गाइस कैसा जो है रास्ता है, ऊंचा नीचा, अगर आप देखकर नहीं चलेंगे तो गिर भी सकते हैं। तो इसी तरह खेत खेत होते हुए हम लोग जा रहे हैं, तो एक नया अनुभव है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कहीं केला का देखिए यहाँ पेड़ है, और इधर देखिए गेहूं का ये खेत है, किसी और का होगा, मेरा नहीं है, तो गिरते गिरते मैं बची। इतना ऊंचा नीचा मिट्टी है कि अगर आप देख कर नहीं चलेंगे तो गिरने के पूरे चांसेस है। तो देखिए गेहूं का खेत पूरा है, अब पकने का मतलब इंतजार है, होली के बाद आना होगा गेहूं की कटाई में। इस देखिए रास्ता थोड़ा कठिन है, ऊंचा नीचा है, और संभल के चलना पड़ता है, वीडियो भी बन रहा है। तो इधर देखिए सब लोग क्या उखाड़ रहे हैं, इधर दिखा, बकला तैयार हो गया। अच्छा, तो चलते चलते हम लोग आ गए, अब मेरा खेत इधर आने वाला है। तो देखिए मेरे गेहूं की फसल कैसी हुई है, देखते हैं। पिछले साल तो उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो इस बार थोड़ा इसमें खाद पानी दिया गया है, गंदगी है, खाद पानी दिया गया है, तो इस बार थोड़ा गेहूं की हाइट अच्छी है और फसल भी अच्छी है। जगह जगह देखकर चलना पड़ेगा, इस गंदगी भी है। तो आ गया है मेरा खेत, इधर वाला हम लोग का है। ये सब इतना दूर तक जो आपको दिख रहा है पूरा मेरा ही खेत है गाइस, इतना गेहूं होगा मेरा फिर से और मजा आएगा। गंदगी है चुलबुल। तो गाइस इतना सारा गेहूं, इतना सारा खेत, और शहर में इतना इतना जमीन के लिए हम लोग तरसते हैं कि थोड़ा सा होता तो गार्डनिंग करते, छत पर गार्डनिंग करनी पड़ती है। तो देखिए गाइस ये दोनों तरफ और वो पूरा सारा गेहूं मेरा ही लगाया हुआ है, तो इस बार फसल अच्छी आने की उम्मीद हो रही है। तो शहर में रहने क्या जो एक लालच है, हम लोग शहर में रहते जरूर हैं, लेकिन असली मज़ा जो ज़िंदगी जीने का है वो तो इसी गांव में है, जिसमें शुद्ध हवा और इतना अच्छा वातावरण, सवेरे उठने पर कहीं कोई शोर गुल नहीं, बस आप और आपका खेत। देखिए यहाँ मटर तोड़ा रहा है और घर जाके इसका सब्जी बनेगा और हम लोग खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिए गाइस यहाँ मटर है और हम बिस्किट खा रहे हैं। देखो खेसारी है, किसका खेत है? अपन खेत। देखिए गाइस कितना सुंदर है, चोर सब चुरा लेता है। गाइस सब लोग मटर चुरा चुके हैं, तो बहुत कम मटर है, बहुत कम। देखिए कितना मटर है, सारा लोग सब चुरा चुरा के खा लिया हम लोग का मटर। देखिए गाइस कितना है, हम लोग का सब चोर सब मटर खा लिया। देखिए अब हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। गाइस खेत तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम लोग चलते चलते थक गए हैं, अभी और देखना है, आगे जाना है। और देखिए गाइस हम लोग दूर आ गए, लेकिन ट्रेन दूर में जा रही है, थोड़ा गौर से आप देखिएगा तो आपको शायद माल ट्रेन जा रही है वो दिख जाए। तो काफ़ी नज़ारा अच्छा है, तो खेत, सूर्य की किरण एकदम शरीर पर पड़ रही है, विटामिन डी पूरा मिल रहा है, और मेरे हस्बैंड पूरा एकदम देहाती परिवेश में एकदम अपना एंजॉय कर रहे हैं। शहर में तो ये मौका मिलता नहीं है, ये प्रिंसिपल है, तो पूरा
प्रिंसिपल बन के रहते हैं। यहाँ देखिए किसान की तरह एकदम लग रहे हैं गाइस। यहाँ यहाँ रोड है ना कुछ भी, देखिए हम लोग इससे बीच में से जा रहे हैं, बहुत बेकार रोड है, आना नहीं चाहिए यहाँ पे। और पैर का हालत बहुत गंदा हो गया क्योंकि यहाँ पे फॉग था तो सब पेड़ वेड़ गीला गीला है और पूरा पैर कचरा हो चुका है, कपड़ा भी कचरा हो गया। और हम लोग पहुँच गए और हम लोग के फोन का बैटरी भी लो हो गया तो हम लोग को जल्दी ही वीडियो एंड करना पड़ेगा। तो गाइस घूमते घूमते हम लोग थक गए हैं और हम लोग का मोबाइल का बैटरी भी लो हो गया है, तो अब लगता है ब्लॉग यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।